हेलो एवरीवन, आज इस मॉडल की हेल्प से हम हार्ट की स्ट्रक्चर समझेंगे। सो सबसे पहले आपको ये वन पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वन मार्क किया है। ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल हमारा ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों लोअर नैरो चैम्बर होते हैं। हमारा हार्ट जो है वो चार चैम्बर का बना हुआ है, तो जो लोअर नैरो चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट। अब यहाँ आपको ये दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। ये हमारा राइट ओरिकल है, अपर चैम्बर, और ये लेफ्ट ओरिकल। अपर चैम्बर को बोलते हैं ओरिकल, लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये राइट ओरिकल हो गया और ये लेफ्ट। अब ये जो आपको डक्ट लाइक या ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें जो ये रेड वाली है इस साइड और एक रेड वाली है ये वाली। ये रेड वाली क्या करती है, लेफ्ट साइड, इनका नाम है पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट ओरिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड लेकर जाती है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड। इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, लंग्स से हार्ट में ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। फिर ये एओर्टा जो है ये लेकर जाती है सारे ऑर्गन्स तक, इसको मेन आर्टरी भी बोलते हैं। ये उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। फिर आइए राइट साइड। राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी है और सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, अब वो लेफ्ट साइड में ब्लड आया लंग्स से और सारे ऑर्गन्स तक चला गया, वहाँ ऑक्सीजन रिलीज कर दी, ऑर्गन्स को दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में मिक्स हो गई। वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा हो गई ब्लड में, उसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो अब राइट साइड, फिर हमारे पास दो चीज़ें, पल्मोनरी आर्टरी और सुपीरियर वीना कावा और ये इन्फीरियर वीना कावा। ये वीना कावा यानी कि वेन्स हैं, ये क्या करती हैं, ऑर्गन्स में जो ब्लड यूज़ हो गया, अब उसमें से ऑक्सीजन यूज़ हो गई, ऑक्सीजन यूज हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, तो वो बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लाती है, हार्ट से वो लंग्स में जाता है। तो लाने का काम कौन करती है, राइट साइड आएगा। और इस बार राइट साइड सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा ऑर्गन्स से ब्लड लाएगी राइट ओरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड लंग्स से रिलेटेड है, यानी ये कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा उसको वापस ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए। तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है राइट साइड से, और सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा उसमें ला रही है राइट साइड। अब इसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर और मैं शो करूंगी बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर जो जिस पे 7 मार्क हो रखा है और एक ये वाली स्ट्रक्चर जिस पे 8 मार्क हो रखा है। ये दोनों वाल्व हैं। ये वाल्व का क्या फंक्शन होता है ब्लड में, ये लेफ्ट है पोर्शन या राइट है जो भी, एट्रियम है या ओरिकल है, और ये वेंट्रिकल है। जब एट्रियम या ओरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में गिरता है तो यहाँ बीच में वाल्व प्रेजेंट है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। मीन्स एक बार अगर ओरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड गिर गया तो उसका बैक फ्लो नहीं होगा, ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इनका नाम होता है, जो लेफ्ट साइड है वो है मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व, जो राइट साइड है ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट साइड कौन सा है, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड कौन सा है, मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व। मैं इसको याद करने का तरीका ये रखती हूँ, राइट का मतलब वैसे यहाँ दायां है पर राइट का मतलब सही मान लीजिए, तो सही को 3 दे दिए ट्राइकस्पिड, और जो लेफ्ट है उसमें फिर कितने, बाइकस्पिड वॉल्व होता है।